हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी के पास। तो आज हम बात करने वाले एनएफएल का जो फाइनल यहां पर रिजल्ट आउट कर दिया गया है। तो इस रिजल्ट में जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई। सभी यहां पर ब्रांच है, बठिंडा, पानीपत, सभी की विजयपत, विजयपुर, सभी की यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है। स्किल टेस्ट के लिए आपका ये स्किल टेस्ट होगा फाइनल। जो भी स्किल टेस्ट में यहाँ पर पास होगा, अभी इनका सीबीटी हुआ था, सीबीटी के बाद में एक लिस्ट जारी की गई। इसमें जिन जिन का सिलेक्शन हुआ वो लिस्ट आ गई है। अब स्किल टेस्ट के लिए जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनकी यहाँ पे एक लिस्ट जारी की गई है। अब इसके बाद में लिस्ट स्किल टेस्ट में जो पास हों उनकी भी एक लिस्ट आएगी। तो लिस्ट जब भी आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा स्किल टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाता है और मैं आपको बताऊँगा। तो आइए देखते हैं किन किन का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रही एनएफएल की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हैं एनएफएल की ऑफिशियल साइट है और आज ये लिस्ट जारी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले, नोटिस डिस्प्ले, मार्क स्कोर बाय कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट ने स्कोर किए थे। तो ये तीन लिस्टें यहाँ पे जारी की गई है सभी ब्रांच के लिए। प्रोडक्शन हो या इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, फिटर हो, सभी के लिए यहाँ पे जारी कर दी गई है। सबसे पहले बठिंडा है, उसके बाद पानीपत है, फिर विजयपुर है। तो हम सबसे पहले आइए देखते हैं बठिंडा की लिस्ट, देखते हैं बठिंडा में किन किन का सिलेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रही वो बठिंडा वाले लिस्ट। आप इसमें देख सकते हो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑल लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट के, जिनको सिलेक्टेड किया गया फॉर रिक्वायरमेंट जॉब के ही है। पूरी रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो कि ये इंफ्रेक्शन के लिए भी था, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सभी के लिए यहाँ पे दी गई थी। और ये आपकी लिस्ट आज ही जारी की गई है। आप देख सकते हो तारीख 22 मार्च 2022 को, ये 22 मार्च 2022 को जारी की गई। एडवर्टाइज नंबर है इसमें, आप देख सकते हो प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है। जो आपका इसमें कब होगा शॉर्ट लिस्ट वो भी इसमें दिया गया है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है वो स्किल टेस्ट है वो कब होगा वो भी दिया गया है इसमें। तो आप देख सकते हो ये सबसे पहले नाम दिया गया है आपका, ये एनएफएल आईडी है और ये आपका नाम दिया गया है। और आप इनका जो होगा 6 तारीख, मतलब 6 अप्रैल को आपका स्किल टेस्ट होगा। तो आपको 6 अप्रैल को जाना है। सभी का बठिंडा वालों के देख सकते हो सब अलग अलग लोग दिया गया है। किसी के 10 ऊपर के 10 कैंडिडेट उनका 6 का होगा, उसके बाद में जो नीचे के हैं उसको 7 का होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका जब भी नाम आया है आप देख सकते हो, ये आपके ईमेल में भी भेजा गया होगा, तो वहाँ पे भी आप एग्जिट करें। 6 को होगा, 7 को होगा, उसके बाद में 31/3 को होगा। तो आप देख सकते हो 6 अप्रैल को होगा, 7 अप्रैल को होगा। अलग अलग ब्रांच का अलग अलग दिया गया है इसमें। ये आपके जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसका 6 अप्रैल, 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को स्किल टेस्ट होगा। तो जिसका भी नाम है अपने अकॉर्डिंग देख के जाएं। और बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की, नेक्स्ट ब्रांच की बात करें मैकेनिकल फिटर की बात करें तो ये आपके 31 मार्च को होगा। तो आपका जल्दी है, जिसका भी हो एक बार ज़रूर देख लें इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। नेक्स्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें आपके 9 अप्रैल को होगा। आगे बात करें फ्रेंड्स जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेशन की बात करें तो इसमें आपके 2 अप्रैल को होगा। सबके अलग अलग लिस्ट जारी की गई है, आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग पूरी लिस्ट जारी की गई है। तो ये लिस्ट की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऑफिशियल साइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करें तो 4 अप्रैल हो गया, 5 अप्रैल को होगा इनका इंस्ट्रूमेशन की बात करें तो। नेक्स्ट है प्रोडक्शन की बात करें तो 31 मार्च को इनका होगा प्रोडक्शन का, और फिटर वालों का 31 मार्च को होगा। सारी चीज़ें आपको ईमेल के थ्रू भेज दी जाएगी और आगे कोई नोटिस आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करें तो 1 अप्रैल को होगा, 31 और 1 अप्रैल को ये बठिंडा वालों का होगा जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आते हैं इंस्ट्रूमेशन। आगे बात करें तो आपके 4 को होगा। तो सबका अलग अलग दिया गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं सभी का बताऊंगा तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि मुझे सारी लिस्टें आपको बतानी है। 9 तारीख को होगा आपको ये दिया गया है। और इम्पोर्टेंट जो चीज़ दी गई है कि कैंडिडेट है स्कोर 50 मिनिमम 50 मार्क इन द सी बी टी है बीन सोल डिस्ट्रिक्ट वो रेशियो 1 पॉइंट जो आपको होता है उसके अनुसार जो 40% है वो आपके इससे स्किल टेस्ट होगा उससे आपका गिना जाएगा। 40% आपको इसमें लाना ज़रूरी है। और मैं आपको बता ही रहा था कि और आगे जो चीज़ दी गई है या स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाई ऑन नेचर ओनली, क्वालिफाई नेचर का मतलब जो भी आपके ब्रांच है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर बेस्ड ऑन द जो आपके ऑनलाइन कंप्यूटर है और सीबीटी जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपके दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट, जिनको सीबीटी में जो पास हुए हैं उनका यहाँ पे नाम आया है। और ऑल अबाउट द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बीन दी ईमेल के थ्रू आपको भेजा गया था। अगर आपने
आपका नंबर नाम है इसमें, तो आप ईमेल पर सारे डिटेल देख ले आपको कब जाना, कौन सी जगह पे जाना है, ये आपको साथ दी गई है, शैल विद नो चेंज। और बात करें नेक्स्ट की बठिंडा के बाद में बात करें, बठिंडा के बाद में बात करें तो ये आपके लिस्ट है पानीपत की, इसमें भी अलग अलग का अलग अलग दिया गया है, 1 अप्रैल को दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट जरूर देख लें एक बार, ऑफिशियल साइट पर आपको ये मिल जाएगी, फिर 7 अप्रैल को दिया गया है, तो अब ये पूरी लिस्ट आई है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिए, अलग अलग सभी ब्रांचेस का इसमें जारी कर दिया गया है, और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं उनको ईमेल के थ्रू ये सारी जानकारी भेज दी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये देख लें। और ये फाइनल लिस्ट है, इसके बाद ये शॉर्ट स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के बाद में आपको डायरेक्ट सिलेक्शन ही माना जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, ये तो पानीपत की हो गई, उसके बाद में बात करते हैं विजयपुर। तो फ्रेंड्स ये रही विजयपुर वालों की लिस्ट, आप यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की है, ये भी आज जारी की गई है, यहाँ पर डेट देख सकते हो, इसमें जो आपकी डेट दी गई है 7 अप्रैल भी दी गई है और 8 अप्रैल भी दी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम देख ले और अपना समय देख ले, बाकी सारी जानकारी आपको मेल पे भेजी गई है, तो सिर्फ नाम दिए गए हैं जिनकी मेल आईडी आप जरूर एक बार चेकआउट कीजिए, जिनका भी नाम आया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया गया है, 109 इसमें हुए हैं, यहाँ पे सारी जो आपको जानकारी भेजी है मेल के थ्रू भेज दी गई है, तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, अगर कोई आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और जैसे इस NFL से जुड़ी और भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी या और किसी एग्जाम से जुड़ी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी मैं जब आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।